देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं गन्ने की ईख में और आज आपको गांव का नज़ारा दिखाते हैं। काफ़ी हमारे जमाल भाई हमारे साथ हैं, खाला के बेटे, तो हमारे लिए गन्ने दे रहे हैं घर के लिए। हमने हेलो कर दो जमाल भाई। कितना सुकून है यहाँ पर और कितना अच्छा लग रहा है देखो आपके सामने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज नए साल का पहला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, कोल्ड हो गया था मुझे, तो आज हम आपको दिखाते हैं गांव की लाइफ स्टाइल। आज हम अपने फार्म हाउस पर आए हैं कि किस तरीके से जीवन होता है गांव का और कितना अच्छा और कितना सुकून होता है यहाँ पर। तो आप बने रहे हमारे साथ। और अभी हम बाइक से आए थे तो हमें ठंड लग रही थी, तो इसलिए हमने आग जलाई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बैक कैमरे से, ये देखिए आप कितना सुकून है यहाँ पर और कितना अच्छा लग रहा है देखो आपके सामने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। आज हम आपको दिखाते हैं गांव का नज़ारा। देखिए अभी हम जा रहे हैं गन्ने लेने के लिए, तो ये कैसी होती है ग्रामीण क्षेत्र की वही दिखाते हैं। और एक हमारे भैया हैं खाला के बेटे जमाल भाई, आज हमको वो गन्ना खिलवाएंगे। चलिए वहाँ पहुँच के मिलते हैं आपसे। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं गन्ने की ईख में और आज आपको गांव का नज़ारा दिखाते हैं। काफ़ी हमारे जमाल भाई हमारे साथ हैं, खाला के बेटे, तो हमारे लिए गन्ने दे रहे हैं घर के लिए। हमने हेलो कर दो जमाल भाई। तो आज हम दिखाते हैं कि गन्ने की ईख कैसी होती है। मोस्टली बहुत लोग जानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में ईखें कैसी होती हैं, देखिए सामने। और जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो वो देख लीजिए। देखिए हमारे गन्ना निकाल रहे हैं, देखिए गन्ना तो निकल गया बढ़िया वाला। आप कहीं भी चले जाओ, कितने भी बड़े शहर में रहो, मगर जो गांव का मज़ा है ना, उसकी बात ही अलग है। तो आप जहां भी रहें मगर अपने जो क्षेत्र है उससे जुड़े रहें, क्योंकि अपना क्षेत्र तो अपना ही क्षेत्र होता है और गांव की तो बात ही अलग है। जी हाँ, देखिए देखिए सामने आ दी है एक, इन्होंने मतलब छोड़ ली है, मतलब उसको काट दिया है और बाकी आधी इधर रह गई। ये देखिए आप सामने, देखिए देखिए सामने गेहूं है। अभी गेहूं की पैदावार शुरू हो गई है, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये गेहूं का खेत। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए वाह, दूर दूर तक हरियाली, वाह क्या कहना गांव का। गांव की तो बात ही अलग है और ये शहरों में कहाँ मिलता है देखने के लिए। तो जितने मेरे भाई बंधु बाहर रह रहे हैं बड़े बड़ी सिटियों में, दिल्ली बम्बई आगरा, तो आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है हमारे गांव में। और आज हम अपने फार्म हाउस पर आए थे तो सोचा आपको गांव भी विजिट करा देते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। और थोड़ा सा ठंड ज़्यादा हो रही थी तो टॉपर नहीं उतारा हमने, तो हो सकता है आपको वीडियो में अजीब सा लगे चेहरा, पर खैर कोई बात नहीं है। चेहरे का क्या है, लोकेशन दिखाते हैं। देखिए लोकेशन देखिए आप, ये सामने देखिए आप, और सामने जितने भी लोग यहाँ पर हैं अपने अपने सामान लेके जा रहे हैं और काफ़ी समय होने के बावजूद लोग निकल रहे हैं। किधर आ रहे आ रहे, देखिए आप, मैं आगे से दिखाता हूँ कितनी बड़ी एरिया में ईख है। तो बहुत बढ़िया मौसम लग रहा है। और ये रोड है मेन रोड, जैसे कि अपना कोई जैसे अनाज और ये गेहूं और तुम्हारा जो भी सामान ले जाना पड़ता है, तो टैक्टर ट्रेलारी इसी रोड से आती हैं। देखिए यहाँ से इस डोल से अपनी ईख स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा खेत है सामने आगे तक, बहुत बढ़िया। हम थोड़ा सा गांव से थोड़ा दूर चले गए, मगर आज भी हमारे परिवार वाले गांव से जुड़े हुए हैं, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं
और काफ़ी मेहनती इंसान है क्योंकि हर काम में मेहनत लगती है। दोस्तों अभी अभी धूप निकली है बहुत तेज, और आप जहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं किस शहर से और किस ग्रामीण क्षेत्र से देख रहे हैं तो जल्दी बताएं कहाँ कहाँ धूप निकली है। और 4-5 दिन के बाद कम से कम धूप निकली है, तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा। ये देखिए आप, शायद आप देख पा रहे होंगे, बहुत प्यारी धूप निकली है। और देखिए यहाँ पूरा छत धूप ही धूप है। सामने वाले चाचा के बच्चे हैं, हमारा छोटा भाई छोटी बहन। बहुत प्यारी धूप है यहाँ पर, देखिए कितना प्यारा मौसम हो गया। ये अमरूद का पेड़ है, देखिए गांव में ये अमरूद आते हैं।